तो आज की हमारी क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे हैं सीप के मेथड पे। हमने लास्ट क्लासेस में फाइल के मेथड पे जाना था, और उससे रिलेटेड हमने एक प्रोजेक्ट भी किया था फाइल एंड फोल्डर क्रिएशन से लेके। हम बात करते हैं सीप की हैंडलिंग। तो सीप को जैसे हमने वर्कबुक को कल कॉल किया था, उसे हम सीप को कैसे कॉल कर सकते हैं। तो सीप की जो कॉलिंग है, ये आज का हमारा मेथड है। जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि हमारे पास चार मेंबर है, एप्लीकेशन, वर्कबुक, शीट्स, रेन। तो हमने एप्लीकेशन को स्किप किया है और हमने वर्कबुक को कंप्लीट किया, एंड हम शीट की तरफ आज बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले शीट के बारे में जानिए कि शीट एक्सेल में शीट को कॉल करने के कई सारे तरीके होते हैं। चलिए उन तरीकों पर हम बात करते हैं। जैसे कि सीट को कॉल करने के लिए एक तरीका है, सबसे पहले जानते हैं कि सीट की जो नाम होता है, दो नेम होता है, एक होता है प्रॉपर्टी नेम, दूसरा होता है कैप्शन नेम। मतलब कि कैप्शन नेम वो होता है जो बाहर दिखता है। सीट वन को हमने अगर यहाँ पे जैन कर दिया तो ये जैन हमारा कैप्शन नेम हो गया, और सीट नेम प्रॉपर्टी नेम जो यहाँ पे आपको वीवी के थ्रू लिखा जाता है। और प्रॉपर्टी नेम को चेंज करने के लिए आपको प्रॉपर्टी में जाके चेंज करना पड़ेगा। तो अगर प्रॉपर्टी नेम के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं, जैसे मुझे सीट वन पे जाना है, तो सीट वन डॉट सेलेक्ट, सीट वन डॉट कॉपी, सीट वन डॉट मूव, ऐसे हम यूज करेंगे सीट वन नेम। लेकिन कैप्शन नेम चलना है तो कैप्शन नेम चलना हो तो ऐसे चलेंगे। सिलेक्ट की जगह पे मैं एक्टिवेट भी कर सकते हैं, एक्टिवेट सिलेक्ट तो दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज में चलता है। तो सीट वन डॉट सिलेक्ट, सीट जेंट्स डॉट सिलेक्ट, ये हमारा कैप्शन नेम के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक और ऐसा है, ये हमारा होता है प्रॉपर्टी नेम, सॉरी इंडेक्स नंबर। ये हम इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग चलते हैं कि सीट का पोजीशन, जो सीट का अपना पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग चले। मतलब कि सीट अगर आपका पहले नंबर पे है तो उसी वक्त पहले नंबर जैन की जगह पर मान लीजिए अगर सीट थ्री हुआ तो सीट थ्री को ही वो एक्टिवेट करेगा, जैन को नहीं करेगा। तो ये हमारा पोजिशन के हिसाब से होता है। चौथा आप जानते ही हैं, एक्टिव सीट, ये हमारा प्रॉपर्टी नेम हो गया, ये हमारा कैप्शन नेम हो गया, ये हमारा इंडेक्स के अकॉर्डिंग चल गया, ये हमारा एक्टिव सीट। अब किस कौन से समय में कौन सा यूज करेंगे ये एक बार आप जान लीजिए। मान लीजिए आपने ऐसा एक रिपोर्ट बनाया जिसका सीट बार बार रिनेम होता है, आपने एक ऐसा सीट बनाया जो बार बार रिनेम होता है, उस केस में हम चलेंगे इसके अकॉर्डिंग। क्योंकि सीट का कोई भी यूजर जो होगा कैप्शन को चेंज करेगा, तो कैप्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या, मतलब कि
प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम प्रॉपर्टी नेम को फिक्स करेंगे, क्योंकि अगर हम प्रॉपर्टी नेम भी कैप्शन में जो चलेंगे तो हर बार मुझे कोड में जाके उसके सीट नेम को चेंज करना होगा। जैन क्या विशाल जी ज्वाइन नहीं करेंगे आज क्या? तो बार बार मुझे अपना सीट चेंज ना करना पड़े, इसके लिए हम अपना प्रॉपर्टी नेम के अकॉर्डिंग हम उसको इस्तेमाल करेंगे। अब कैप्चर नेम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका एक नेम फिक्स होता है कि नेम आपका समरी है, यहाँ पे नेम आपका समरी है, लेकिन क्या होता है कि हम इसको डिलीट कर देते हैं। मान लीजिए मैंने रखा फिर इसको डिलीट करके फिर एक हम नई सीट ऐड कर लिया, उसका नाम हमने समरी रख दिया। तो जैसे सीट ऐड होगा आपका प्रॉपर्टी नेम चेंज हो जाएगा। कैप्चर नेम आपका फिक्स हो सकता है बट प्रॉपर्टी नेम आपका फिक्स नहीं रहता है, प्रॉपर्टी नेम को चेंज करना पड़ता है। प्रॉपर्टी प्रोग्रामिंग जो उसको प्रोग्रामर ही चेंज कर सकता है। तो अगर आपके पास आपको लग रहा है कि आपका कैप्चर नेम मतलब कि कैप्चर नेम मतलब बाहर यूजर बार बार नेम चेंज कर रहा है, जब आप बार बार नेम चेंज कर रहे हो तो आप जो है बार बार सीट डिलीट हो रहे हो, नेम सेम होता है, नेम चेंज नहीं होता है, बार बार सीट डिलीट होता है, तो आप इस मेथड को कॉल करोगे। और दूसरा है कि मुझे ना प्रॉपर्टी नेम पता है ना कैप्चर नेम पता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में हम इंडेक्स लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको एक फाइल के 5 सीट है, आपको 5 सीट का डेटा उठाना है। अब 5 सीट में का नाम क्या है आपको नहीं पता, तो आप इस तरह से करिए सीट 1 सीट 2 इस तरह से सीट 1 सीट 2 सीट 3 सीट 4। और एक्टिव सीट का आपको पता ही है, तो सीट के कॉलिंग मेथड में कोई डाउट? रुपेश जी, तेजेंद्र जी, अनिल जी, सर आई हैव वन क्वेश्चन। ये जो आपने जो ऊपर sheet 1 डॉट एक्टिवेट प्रॉपर्टी नेम दिया है, यहाँ पे सपोज करो कि हम जो है एक नई वर्कबुक ऐड करा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें तो हमारा sheet 1 आ जाएगा, बट इन केस यूजर जो है वर्कबुक ऐड नहीं करा रहा है, वो जो है sheet ऐड करा रहा है वर्क एक पर्टिकुलर वर्कबुक में, तो उसमें तो सीट 1 काम नहीं करेगा, उसमें एक्टिव सीट काम करेगा, क्योंकि सीट 1 तो डिलीट हो रहा है ना उसमें, क्योंकि वो तो एक्टिव सीट चेंज हो रहा है उसमें, सीट ऐड करा रहे हैं तो सीट 1 तो चेंज हो गया ना फिर उसमें, तो जो भी ऐड होगा वो एक्टिव हो जाएगा, सीट एक्टिवेट होगी ना, तो वहां पे हमारा एक्टिव सीट काम करेगा। ओके ठीक है। देखो ये हमने आपको समझाया कि इस ना इसको हम कब यूज करेंगे, जब हमारा सीट फिक्स होगा, नाम चाहे जो भी हो, सीट का नाम सीट 1 सीट 2 सीट 3 सीट 5 कुछ भी यहां बाहर हो, बट ये सीट हमारा फिक्स होना चाहिए। तो उस केस में हम इसका लेके चलेंगे, हमारा सीट फिक्स नहीं है बट सीट का नाम फिक्स है। यहां देखिए यहाँ क्या है, सीट का नाम फिक्स नहीं है, आपका सीट फिक्स है। तो हम इसको लेके चलेंगे प्रॉपर्टी नेम को, यहां से देख लेंगे कि प्रॉपर्टी क्या है, जरूरी नहीं सीट 1 ही हो, कुछ भी प्रॉपर्टी हो सकता है, आप चाहो तो प्रॉपर्टी यहां चेंज भी कर सकते हो, प्रॉपर्टी नेम चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो जब आपका सीट फिक्स हो तो ये हम यूज करेंगे, अगर सीट का नाम फिक्स हो जैसे समरी जैसे लाइक रिपोर्ट, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। एक यूज करेंगे जब मुझे कुछ भी नहीं पता हो, कि ना सीट नेम पता है ना उसका प्रॉपर्टी नेम पता है, कुछ भी पता नहीं है, मुझे हर सीट के पहली सीट को लेना है चाहे सारी सीट को लेना है, तो हमें नंबर से चलना है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके और एक्टिव सीट कब करेंगे, जब हमारा सीट एक्टिव हो, चाहे हमने सीट ऐड किया हो या फाइल ओपन करते थे, इसमें ही तो कोई सीट एक्टिव होती है, तो एक्टिव शीट पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, गॉट इट, समझ गया। तो चलिए अब चलिए इसकी मदद से हम
वर्कशीट के होने वाले काम को समझते हैं। जैसे ये शीट ऐड शीट जैसे वर्कबुक ऐड हमने किया था, तो अगर शीट ऐड करना है आपको तो यहां पे लिखेंगे शीट्स डॉट ऐड, और उस शीट को रिनेम करना है तो एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू डेटा, या फिर जैसे अगर वर्कबुक में किया था कि शीट्स डॉट ऐड डॉट नेम इक्वल टू डेटा, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन शीट ऐड कहां होगी, जैसे कि आप राइट क्लिक करके एक इंसर्ट शीट चाहते हो तो क्या होता है, इंसर्ट कर दिए तो आपकी जो एक्टिव शीट होती है उससे पहले ऐड हो जाती है। लेकिन मैं शीट ऐड करता हूं अपने हिसाब से ऐड करना चाहता हूं, तो उस केस में यहां शीट्स डॉट ऐड आफ्टर स्पेस मारोगे, यहां पे बिफोर और आफ्टर है, तो बिफोर करना है तो बिफोर पे दोगे, आफ्टर करना है तो कॉमा करके आफ्टर पे चले जाओगे, और यहां पे सीट नेम दोगे इस मेथड में जो मेथड आपके सामने दिख रहा है, सीट्स मुझे पांचवें नंबर सीट के बाद ऐड करना है, राइट सर। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं पर्टिकुलर सीट नहीं, मैं सबसे लास्ट में ऐड करना चाहता हूं, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं सीट्स डॉट काउंट एक मेथड दे दीजिए, वो क्या करेगा कि पहले चेक करेगा कि कितने नंबर ऑफ सीट्स पर्टिकुलर इस फाइल में है, जितने नंबर ऑफ सीट्स फाइल में होंगे उसके बाद वो ऐड कर देगा, सीट्स डॉट ऐड अगर हम काउंट देते हैं तो। अब मुझे अब एक बार में एक ही सीट ऐड करेगा, मान लीजिए मुझे एक बार में 550 सीट ऐड करने हैं, 10 सीट करने हैं, 5 सीट ऐड करने हैं, तो आप यहाँ पे काउंट होता है, अब काउंट दे दीजिए, मैं दे दिया 5, तो एक बार में 5 सीट को ऐड करेगा, तो सीट को ऐड करना और रिनेम करना, समझ में आ गया जी विशाल से आएगी जी, क्या हुआ आज भी गुमसुम है आप, सर नहीं विशाल जी आज बड़ी गुमसुम है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, कल पूछ रहे थे आज नहीं पूछ रहे, आगे बढ़ते। अब मान लीजिए अब जैसे कि मान लीजिए कि आप एक एक काम और देख लीजिए, जैसे कि मैं एक रिपोर्ट उठाता हूँ यहां से उठ जाइए, जैसे मान लीजिए कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग डैशबोर्ड या मान लीजिए फाइनेंशियल डैशबोर्ड पे उठाया ये रिपोर्ट हमारा है, अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे इसमें किसी को ये फाइल मेल करनी है, राइट सर, तो लेकिन मेल करनी है तो मैं अपना डेटा नहीं भेजना चाहता, ये हमारा फाइनेंस का डेटा है, ये डेटा नहीं भेजना चाहता, ये रिपोर्ट ऑटोमेटिक बन के आता है यहां से डेटा से, तो मैं डेटा नहीं भेजना, मैं रिपोर्ट भेजना चाहता हूं बट डेटा नहीं भेजना चाहता, तो हम लोग क्या करते हैं राइट क्लिक करके इसको मूव करते हैं सीट को, और एक नई वर्कबुक में हम ले आते हैं, और फिर इस वर्कबुक को फिर इसको पूरे सीट पे सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और वैल्यू पेस्ट कर देते हैं ताकि फॉर्मूला वगैरह रिमूव हो जाए, और फिर इस फाइल को सेव कर लेते हैं। यही काम अगर मुझे वीवी के थ्रू करना हो तो कैसे करें, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर शीट को मूव करना है एक नई फाइल में तो मूव कैसे करें, तो यहां हम लिखेंगे सीट्स, किस सीट को मूव करना है वो इसके अकॉर्डिंग इसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मुझे मूव करना है सीट नंबर 4 को, तो सीट नंबर 4 का मैं प्रॉपर्टी नहीं लेता हूँ, आप चाहो तो अपनी
हिसाब से एज पर सिचुएशन अपना नाम चूज कर सकते हो। डॉट मूव, बस इतना ही लिख दीजिए। सीट फॉर डॉट मूव एक नई सीट में मूव हो जाएगा और फिर उस फाइल को आप कर लीजिए एक्टिव। वर्क बुक डॉट बुक्स हो गया, बुक डॉट डॉट सेव एज, और यहाँ पे अपना पास विद एक्सटेंशन दे दीजिए। ये तो पता ही आपको क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। तो आपका क्या होगा कि आपकी एक फाइल क्रिएट होगी, मैं आपकी सीट फोर को मूव किया जाएगा एक अलग सीट में, एक अलग नई न्यू फाइल में, फिर उस न्यू फाइल को सेव कर दिया जाएगा। और फिर आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज। अब देखिए यहाँ पे गौर कीजिए कि एक्टिव वर्क बुक का स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये इसका फर्स्ट लेटर बड़ा नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा कि अगर आप लिखते हैं और कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ध्यान रखिएगा कि आपका टाइटल के इसमें अगर नहीं गया कोड, इसका मतलब है कोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या फिर कहीं पे आपने स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। लेकिन मूव तो सिर्फ मूव करेगा, मतलब कि उठा दे यहां से, मूव कर देगा मतलब कि आपकी जो ओरिजिनल फाइल है वो तो उसके रहेगी नहीं। मुझे कॉपी करना है तो बस सब कुछ सेम रहेगा, मूव की जगह पे आप कॉपी कर दीजिए, आपको एक नई फाइल में कॉपी कर देगा, तो आपकी ओरिजिनल सीट भी रहेगी साथ में कॉपी भी हो जाएगी। लेकिन मुझे कॉपी करना है विद इन फाइल, जैसे कि नॉर्मली करते हैं कि हमने यहाँ से उठाया और यहाँ पे इस तरह से कॉपी कर दिया, चाहे इसको उठा के सबसे लास्ट में रख दिया, मूव एंड कॉपी विद इन फाइल चाहिए। तो यहाँ आप लिखेंगे सीट या सीट वन जो भी मेथड कॉलिंग मेथड है डॉट मूव, और मूव में स्पेस आप दीजिए कि किस, अगर आप इसमें दे दिया कि हाँ किस सीट से पहले या किस सीट के बाद करना है, मैंने बोल दिया कि सीट फोर से पहले करना है, चौथे पोजीशन से पहले करना है, तो उसे पहले कर लेगा या आफ्टर करना है आफ्टर कर लेगा सेम सीट में। लेकिन अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो सेम कॉपी का भी, कॉपी और मूव दोनों एक ही जैसे होता है, बस यहाँ पे चेंज हो जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि मुझे सेम सीट पे नहीं करना है, सेम फाइल भी नहीं करना है, अब नहीं न्यू फाइल में करना है, मैंने एक नया वर्कबुक बुक टू ओपन कर रखा है, वैसे बुक फोर है मान लीजिएगा, बुक फोर ओपन कर रखा है, मुझे इस बुक फोर में सबसे लास्ट में ऐड करना है अपनी सीट को, चाहे मूव या कॉपी करना है। तो उस केस में क्या होगा कि आप लिखेंगे यहाँ पे कि सीट वन डॉट मूव या कॉपी, और इसके बाद लिखेंगे वर्क वर्क बुक्स, और यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा में बुक फोर डॉट xlsm जो भी एक्सटेंशन है आपका, फिर यहाँ पे लिखेंगे डॉट sheets और फिर sheets.com। और ये बिफोर हो गया, आफ्टर करना है तो इस तरह से, तो ये जो लेकिन ये बुक फोर आपका ओपन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा ये जो बुक आपने यहां दिया है ये ओपन होना चाहिए, तो उसमें मूव हो जाएगा। अगर कॉपी करना चाहते हो तो यहां मूव की जगह पे आप कॉपी लिख दो, वहां कॉपी हो जाएगा। क्लियर है सर? सर एक बार पूछू, पर हमने लिखा है बुक के सीट फोर डॉट मूव एक्टिव और बुक डॉट सेव एज, उसके बाद में पास देंगे, उसके बाद में वो सीट फोर तो नहीं होगा, सीट वन होगा ना? नहीं नहीं लिखा है, नाम लेके जाएगा सेम चीज लेके जाएगा। अगर आपने सीक्वेंस नंबर मतलब कि आपने इसके अकॉर्डिंग चले हो तो वन हो जाएगा, समझ गए? लेकिन अगर आप इसके अकॉर्डिंग चल रहे हो तो सीट वन ही रहेगा सर, जो जो नहीं सर नीचे आ जाए, नीचे 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 और नीचे और नीचे। ये बोल रहे हो ना कि आपने कॉपी किया और सेव कर दिया, तो जो सीट फोर आपने कॉपी किया है तो सीट फोर ही रहेगा क्योंकि इसका प्रॉपर्टी नेम है, समझ गए ना? अगर आप
इस तरह से करते हैं, इस तरह से कि सीड्स चौथा नंबर सीड डॉट मूव, तब क्या होगा, तब एक्टिव इस एक्टिव वर्क को सीट वन हो जाएगा, समझ गए? चाहे आप मूव कीजिए चाहे कॉपी कीजिए, पोजीशन चेंज होता है। अब चलिए डिलीट करते हैं सीट को, तो यहां पे हमने किया सीट या सीट वन डॉट डिलीट। अब डिलीट कमांड लगाओगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट आएगा, मतलब कि राइट क्लिक करके अगर डिलीट करते हो तो ये पॉप अप आएगा, जब तक मैं डिलीट पे क्लिक नहीं करूंगा तब तक डिलीट नहीं है। अब इस पॉपअप को बाईपास करना है तो क्या करेंगे आप, इस कोड से ऊपर एप्लीकेशन का सेटिंग चेंज कर देंगे कि एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स। अब आपका जब डिलीट करेंगे तो पॉपअप नहीं पूछेगा और सीधे डिलीट कर, ठीक है? ओके सर, सीट को डिलीट कर देगा एप्लीकेशन आपका। तो हमने सीट को ऐड करना सीखा, सीट रिनेम करना सीखा, सीट को मूव एंड कॉपी करना सीखा और सीट को डिलीट करना सीखा। अब बात होती है सीट को हाइड और अनहाइड करना। मान लीजिए सीट वन डॉट इसकी विजिबिलिटी में गया और इसमें तीन चीजें हैं, एक है सीट हिडन, एक्सेल सीट हिडन, अगर इसको चूज करते हो आप तो क्या होगा कि यहां से नॉर्मल जो हाइड होता है उस नॉर्मल को हाइड कर देगा, इसको कोई भी इजिली अनहाइड कर सकता है। लेकिन अगर आपने किया सीट वन डॉट विजिबल इक्वल टू एक्सेल सीट वेरी हिडन, अगर आप इसको एक्सेल सीट वेरी हिडन कर दिया तो क्या होगा कि यहां आपका सीट तो हाइड हो जाएगा बट यहां से अनहाइड नहीं होगा। और अनहाइड कहां से होगा, अनहाइड के लिए दो तरीके हैं, एक तो आपका कोड लिखोगे कि एक एक्सेल सीट विजुअल कोड के जरिए करवा सकते हो एक्सेल सीट विजुअल, या फिर आप जिस प्रॉपर्टी बार में जाएंगे सीट को सिलेक्ट करेंगे और यहां प्रॉपर्टी से यहां विजुअल में आपको एक्सेल सीट विजुअल चूज करना है तो आपका विजुअल होगा, राइट सर? जी सर, मैंने कोड से याद नहीं किया मगर वो प्रॉपर्टी से मैंने हाइड किया था। अरे प्रॉपर्टी आप इस कोड के कोड जो यूज कर रहे हो तो आपने सीट का प्रॉपर्टी चेंज करो डायरेक्टली यही पे जाके वो करता है, जो करता है चेंज कर देता है वहां अपने ये खुद ब खुद कर देता है। हाँ जी सर, ठीक है, यहाँ से कर रहा हूँ मैं। हाँ तो ये आपकी विजिबिलिटी हुई। अब बात करते हैं सीट को प्रोटेक्ट करने की बात, सीट हाँ प्रोटेक्ट नहीं टैब कलर, जो कलर होता है ना ये टैब कलर इसको चेंज करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, जिस सीट को करना है उसका सीट का कॉलिंग नेम लिखिए और डॉट टैब डॉट कलर। अब यहाँ पे बीबी रेड ग्रीन ब्लू श्याम मिजेंटा आप लिख दीजिए, बाकी कलर भी ऐड कर सकते हैं वो आपको आगे हम कलरिंग के लिए क्लास में सिखाएंगे, फिलहाल आप ये। उसके बाद बात करते हैं सीट को प्रोटेक्ट करने का, तो सीट वन डॉट प्रोटेक्ट और फिर यहां पे हम अपना पासवर्ड दे देंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शन कौन है, जब आप सीट को प्रोटेक्ट करते हो तो यहाँ पे जो तो चेक बॉक्स होते हैं, मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड डालने के बाद भी कोई भी पर्सन जो है फिल्टर यूज कर सके, क्या यूज कर सके, फिल्टर यूज कर सके। तो हम मैं क्या करूंगा आपके कोड में कॉमा, ये आपका ड्राइंग कंटेन सिनेरियो, ये आपका यूज इंटरफेस ओनली फॉर्मेट सेंस ओनली लाओ फॉर्मेट लाओ 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 शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, यहाँ पे मैं ट्रू लिखूंगा। अब बोलो सर इतना लंबा कॉमा चलना तो मुश्किल है थोड़ा सा, तो एक तरीका और है, देखिए क्या है, सी डॉट प्रोटेक्ट और प्रीवियस हो गया, सॉरी सी डॉट प्रोटेक्ट,
अब यहां पे मैं यहां लिखूंगा पास्ट वर्ब और इक्वल फिर कॉमा, फिर लिखूंगा यहां पे अलाउ, जो सेम लिखा हुआ ना वही लिखना होगा। फिल्टरिंग कॉलन इक्वल, हाईलाइट हो गया, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और ऐसी प्रोटेक्ट वाली बात नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट का मेंबर आपको डिफाइन करना है, मेंबर आपको डालना है और मेंबर का बहुत सारा बड़ा मेंबर है तो कमा कमा करने में दिक्कत होती है, तो आप इस मेथड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर सर? तो इसको एक बार अपने हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद हम आपको कल की क्लास में इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट आपके साथ करेंगे। जैसे हमने वर्कबुक से रिलेटेड प्रोजेक्ट किया था कल, वैसे हम कल आपको सीट से रिलेटेड प्रोजेक्ट करेंगे जहां हम इनसे वो सीट का इस्तेमाल करेंगे। राइट सर? एक क्लास और रख गई है रेंज की, उसके बाद जो है आपको क्लास इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि बहुत सारे आपके काम को इजिली कर देगा इसलिए। ओके, कल सेम टाइम।